हम चाहते हैं कि इन इन सबके खिलाफ भी अलग से कानून आए, वो पेपर लीक नकल फर्जीवाड़ी के खिलाफ कानून आए, अब फर्जी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अलग से कानून लाए, इनको भी जेल में डाला जाए, इनकी भी ऐसी तैसी करी जाए, ये भी मांग हम सरकार से कर रहा हूं। मैं ये मांग भी मैं उठा रहा हूं सबसे पहले और मांग सरकार से कर रहा हूं। अब एक चीज और बता दूं, अब जैसे ये कई चीजें मैं देख रहा हूं ना कि 23 नंबर 21 नंबर और फर्जी डिग्री डिप्लोमा खेल प्रमाण पत्र, मुझे नहीं लगता कट ऑफ क्या हालात हो। उस दिन जब मैंने ट्वीट किया कि 2-3 नंबर ही ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि 1 नंबर पर हजारों की संख्या है, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा कि क्योंकि सरकार ने डेटा ओपन नहीं किया, सरकार ने ये नहीं बताया 45 से 50 के बीच में कितने हैं, 40 से 45 के बीच में कितने हैं, 35 से 40 के बीच में कितने हैं, 30 से 35 के कितने, उन्होंने कोई भी डेटा ओपन नहीं किया। डेटा ओपन नहीं करने का मतलब दाल में कुछ काला पूरा ही काला, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ, लोग कहते हैं ना कि 135 के पार भी जा सकती है, तो डाटा ओपन नहीं करने का मतलब भैया कुछ भी हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं ना रीट लेवल 2 की बहाल की मांग कर रहे थे, रीट 1 वाले कह रहे हैं कि हमें बेकलोग के पद जुड़ाओ, बेकलोग के पद नहीं जुड़ेंगे, नियम अनुसार नहीं है। आपका एक प्रतिनिधि मेरे ऑफिस में आया था, अधिकारियों से उनके सामने बात की थी, क्यों नहीं जुड़ेंगे, उनको पता है वो पद है ही नहीं, वो पद ऑलरेडी पहले शामिल है, नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं, एक कह रहे हमारी ज्वाइनिंग कराओ, दूसरा कह रहा रद्द करो, भाई साहब हाथ जोड़ लिया मैंने, ना मैं रद्द की बोलूंगा ना ज्वाइनिंग की बोलूंगा, एक की बोलता दूसरा गाली देता है, अरे पता नहीं तुम तो कह के दूर हो जाते हो। मुझे पता है पेपर लीक को आज भी कह रहा हूँ, फर्जीवाड़ा मैं इस बात पे कायम हूँ। लोग कह रहे सीबीआई की जांच के लिए आपने कहा था, सीबीआई की जांच के लिए लगातार आप लोगों को बुलाया, आप घर से नहीं निकले, लेकिन न्यायालय के माध्यम से, ऐसा नहीं कि न्यायालय में चल गया सीबीआई।